नमस्ते, मैं रेखा आपको स्वागत करती हूँ रेखा ब्लॉग में। और सभी बड़ों को पहले मेरा प्रणाम। और आज तो आप लोगों को पता है कि आज फ्राइडे है यार, आज वैभव लक्ष्मी का व्रत है। तो आज मैं सोची आज तो ऐसे ही भोग बनता है, आपको पता है। और तो आज मैं दो मीठा आइटम बनाऊंगी। एक क्या क्या बनाती हूँ चलिए एक के बाद। पहले मैं बनाती हूँ गाजर का हलवा, क्योंकि आपको पता है क्योंकि ठंडी का मैंने सीजन चल रहा है और गाजर थोड़ा सस्ता मिल रही है। तो ऐसे में गाजर का हलवा और एक जो मीठा आइटम बना के फिर पूरी सब्जी बनाऊंगी और भोग लगाएंगे। तो फिलहाल चलिए और लेट ना करते हुए, हाँ, और अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे आगे बढ़ाइएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग दिन ब दिन मेरे फैमिली में नए मेंबर बढ़ते जा रहे हैं। सभी नए मेंबर को बहुत सारा वेलकम, और जितने भी पुराने मेंबर हैं उन लोगों को भी बहुत सारा थैंक यू। ऐसे ही बने रहिए और जब भी वीडियो आता है थोड़ा थोड़ा देखिए, और ऐसे ही देख के ऐसे ही एक एक लाइक करते जाइए। तो चलिए लेट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं गाजर का हलवा। कढ़ाई बिठा दी हूँ, उसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच गाय का घी, जो कि हम पहले गाजर को फ्राई करेंगे। इसलिए दो चम्मच, हमारे घर में एक्चुअली बिग बॉस लगा है। आप लोग कौन कौन बिग बॉस देख रहे हैं? अच्छा लग रहा है इस बार का सीजन भी, वही थोड़ा साउंड आ रहा होगा। तो देखिए मामा टी के साउंड कम कर दे। तो देखिए हम लोगों ने, मैं यहाँ पे घी को बिठा दी हूँ, और मैं ये थोड़ा 4 से 5 गाजर को इसको मैं कोड़ ली हूँ, धोधा के मैंने उसको कोड़ लिया। अभी मैं इसको यहाँ पे डालूंगी और हम इसको थोड़ा पहले फ्राई करेंगे धीमी आंच पे। देखिए थोड़ा मैं उसको ढक दिया था, अभी थोड़ा फिर से उसको चला रही हूँ, फिर से उसको ढक दूंगी। हमारा जो गाजर है वो मैंने थोड़ा फ्राई होने के लिए कढ़ाई पे बैठा है, तब तक हम और एक मीठा आइटम बनाते हैं जिसका नाम है सूजी का हलवा। तो सब लोग बहुत अलग तरीके से बनाते हैं, मैं भी जस्ट क्विकली कैसे बनाती हूँ मैं आप लोगों के सामने वो अभी प्रस्तुत कर दी। तो सूजी का हलवा बनाने के लिए पहले हम सूजी को थोड़ा सा घी में फ्राई करेंगे। ये मैं दूध डाल देखती हूँ, दूध डालूंगी कि ना बिना दूध का बनाऊंगी मैं आपको धीरे धीरे। सूजी हलवा बनाने के लिए पहले मैं यहाँ पे कढ़ाई में बिठा दी हूँ, कढ़ाई में मैं 2 चम्मच घी लूंगी। जैसे ये सूजी थोड़ा गर्म हो जाए, एक सॉरी सूजी बोलूंगी, थोड़ा गर्म हो जाएगा तो उसमें मैं देखिए देख पा रहे हैं, एक कटोरा सूजी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। इसको हम अभी अच्छे से फ्राई करेंगे।
देखिए धीमी आंच पे मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी लिया है। यहाँ पे आप पानी नहीं देके दूध का यूज कर सकते हो, लेकिन मैं पानी दे दूंगी। सिंपल सा हलवा बनाएंगे, फिर घी को ज्यादा यहाँ पे डालेंगे। घी भी ज्यादा की जरूरत नहीं, देखते हैं और 1 चम्मच डाल देते हैं, थोड़ा घी अच्छा 3 चम्मच मैंने यहाँ पे घी ले लिया है। इसको मैं अभी अच्छे से भी मैं आपको दिखाती हूँ मेरा गाजर का हलवा का हाल। देखिए ये जब तक पूरा पानी छोड़ना बंद नहीं करगा तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। देखिए मेरा ये जो सूजी है लगभग ये फ्राई हो चुका है, अभी हम उसको निकाल देंगे। निकाल के एक प्लेट में रख देंगे। यहाँ पे डालूंगी इलायच, लौंग और काली मिर्च, उसके बाद थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, काजू और किशमिश। उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी 1 तेज पत्ता। ये सबको हम अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर देंगे। फ्राई करने के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे, मैं अब दूध नहीं डाल रही हूँ, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट डाल देंगे पानी। तो पानी आपको देख के डालना पड़ेगा। मैं जैसे 1 कटोरी सूजी ली हूँ तो मैं यहाँ पे 2 कटोरा पानी दूंगी। एक जिस कटोरी में आप सूजी दिए होंगे ना उसका डबल आप पानी दे दीजिएगा, यही सूजी का यही माप होता है। तो मैं यहाँ पे 2 कटोरा पानी ले ली हूँ। ये थोड़ा गर्म हो जाएगा तब मैं डालूंगी यहाँ पे चीनी। तो ये भी देखिए हमारा लगभग गाजर का हलवा रेडी। तो देखिए जब तक ये पानी गर्म होगा तब तक मैं थोड़ा और एक सॉसपैन में थोड़ा पानी गर्म करके ना जो हलवा हम लोग बना रहे हैं ना आप देख पा रहे होंगे यहाँ से वहां पे थोड़ा ना अमूल का जो पाउडर मिलता है ना जो दूध का पाउडर वो थोड़ा डालेंगे। वो थोड़ा डालने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा पानी गर्म कर रही हूँ। ये दोनों ही आपको अच्छा लगेगा। देखिए मेरा पानी लगभग उबल रहा है तो मैं यहाँ पे अभी डालूंगी चीनी। चीनी आप जितना आप खाते हैं उतना डालिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा ज्यादा खाती हूँ आपको तो पता है, तो मैं यहाँ पे लगभग बड़े चम्मच में 5 चम्मच चीनी डालूंगी। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना यहाँ पे मैं थोड़ा गाजर भी यहाँ चला लेती हूँ क्योंकि गाजर से पानी छोड़ चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ पे डालेंगे दूध चीनी। तो दूध के लिए देखिए मैं यहाँ पे आपको दिख रहा है दूध पाउडर जो है ना वो बड़ा स्पून में 3 स्पून ले ली है। तो इसको हम मिला के यहाँ पे डालेंगे और चीनी एक साथ डाल देंगे। पहले थोड़ा दूध डाल देते हैं फिर चीनी डालेंगे।
और अगर कुछ भूल चुक हुई तो माफ करिएगा, मैं उसे ही थोड़ा बनाती हूँ। मैं आपको ठीक ठाक बोल पा रही हूँ, नहीं बोल पा रही हूँ। इसको अच्छे से मैं अभी दोनों ही रेडी हो गए, इधर में मेरा दूध और इधर में ऐसे ही होता है ना, आप लोग के साथ ही ऐसा होता होगा ना। एक रेडी दो, एक साथ दोनों दोनों रेडी हो जा रहा है। क्या करूं भैया, थोड़ा रुक जाओ भैया। देखिए यहाँ पे मैं अभी दूध को डाल दिया और यहाँ मैं अभी सूजी डाल दूंगी। इसको थोड़ा घी डाल के थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ दूंगी। थोड़ा लास्ट में चीनी, देखिए ये भी मेरा हो गया। ये मैं आलू को खाते, देखिए मेरा हो गया। इसको हम थोड़ा धीमी कर देंगे और सूजी को धीरे धीरे करके डाल लेंगे। फाइनली सूजी हल्का बनकर रेडी। इसको थोड़ा ढक देंगे तो ये मोटा हो जाएगा। इसमें आप दूध भी, पानी की जगह मैंने पानी ऐड किया है, आप इसमें दूध ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा इसको ढक के आप लोग मुझे पसंद ही करें ना, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सब बोल रहे हैं क्या करिए। देखिए मैं इतना अच्छे से बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन जितना भी आप लोगों से बात करती हूँ ना, मैं दिल से ही करती हूँ। और सच बोले आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, मैं इमोशनल भी हो रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ आप बिलीव नहीं करोगे। मैं सच बोल रही हूँ, मैं रात रात नहीं सो रही हूँ पागल की तरह। मुझे कितना लाइक मिला, कितना सब्सक्राइब मिले, पता नहीं ये क्या है, लेकिन एक करने की चाह है। आप लोग धीरे धीरे पसंद कर रहे हैं, इसीलिए मुझे भी लग रहा है कि नहीं, मुझे मैं अगर ऐसे मन लगा के अगर इसमें अगर काम करूंगी तो आप लोग मुझे एक ना एक दिन एक्सेप्ट करोगे। ये सोच के ना मैं रात 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 दिन मेरा तबीयत भी जानते बिगड़ जाए, लेकिन फिर भी मुझे करने की इच्छा हो रही है। पता नहीं क्यों, मुझे भी नहीं पता, लेकिन करूंगी। आप लोग को प्यार की वजह से मैं लोगों के साथ बात कर रही हूँ, वो मुझे बोल रही है कि तुम कितना बड़बड़ हो रही हो मम्मी, कुछ नहीं सुना है। मैं बोली है भगवान, मैं सब बोल रही हूँ, तो क्या इसको बोल रही है ये सब। देखिए फाइनली मेरा सूजी हलवा बनकर रेडी। तो एक बार मैं दिखा लेती हूँ, देखिए इसको हम अभी प्लेट में सजाएंगे। तो अभी हम इसको मैं प्लेट में एक सजा देती हूँ। मैं तो अनुमानित चीनी डालती हूँ, आपको जितना मीठा खाना होगा। मैं यहाँ पे बड़ा स्पून में ना 3 स्पून चीनी ली हूँ, तो अभी इसको हम लोग मिला लेंगे। और एक बात है, देखिए मैं जो एडिटिंग करती हूँ ना, मेरी बेटी ही करती है, तो थोड़ा कुछ इधर उधर हो जाए तो माफ करिएगा। वो इतना वो मेरे लिए वो ही कर लेती है, मैं धीरे धीरे सीखूंगी। वो मुझे बहुत बार बोले मम्मी आप सीखो, लेकिन मुझे थोड़ा नहीं आ रही है। मैं सीखूंगी, जरूर सीखूंगी, लेकिन फिलहाल अभी वो ही कर दे रही है। वो डबारे रख इरा को भल के तू गार्निश कर सजे दिता फोटो उठे ताला मु ट्यूशन पढ़ेला परे तो दे देबी तू एडिटिंग करबो ला आ उसरा को शॉर्ट से छाड़ीबो है सुजी वाला को शॉर्ट से छाड़ीबो ना इटा को आज इटा को छाड़ काली को हेटा को छाड़िया हला। ये मेरा सुजी हलवा जो है और हार्डली 5 मिनट में, सॉरी गाजर का हलवा जो है वो हार्डली और 5 मिनट में बनकर रेडी। तो इसका अभी हम इसमें थोड़ा सा मैं काजू को फ्राई की हूँ वो डाल दूंगी। और ये मेरा
सूजी का हलवा बन के रेडी। ये जितने भी मेरे YouTube के जो छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर जो छोटे ही बच्चे हैं वो लोग के ये मैं डेडिकेट करती हूँ, क्योंकि ये सब बेटे जो भी बच्चे मुझे देखते हैं ना मेरा YouTube मेरा वीडियो को, वो सब ये खाया करो बेटा, ठंडे के दिन में ये खाओगे ना बहुत अच्छा होता है। हाँ, तो सब बच्चे के लिए मैं ये डेडिकेट करती हूँ। और देखिए मैं अभी बंद कर दिया, ये मेरा गाजर का हलवा बनकर रेडी हो गया। हो गया, देखिए हो गया, अभी मैं उसको बंद कर दिया, ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, इसको फिर कर लेंगे। मैंने जो दो मिठाई बनाई है, एक तो सूजी का हलवा एक तो गाजर का हलवा, आप लोग प्लीज़ पसंद करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा वॉच करिएगा। जो जो भी नए मेंबर है थोड़ा सा देखिएगा, मैं आपकी वजह से ही सब ये कुछ कर रही हूँ, आप लोगों से ही मुझे मोटिवेशन मिल रही है, इसीलिए मैं आगे बढ़ने की मुझ में दिन ब दिन चाह बढ़ रही है। तो प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट बना के रखिए और सभी बड़ों जितने भी मेरे बड़े देख रहे हैं मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिए, आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि मैं आगे बढ़ पाऊँ। और आज का ये दोनों जो ये है गाजर का हलवा और सूजी का हलवा, ये बच्चे लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा है और मेरे YouTube में जितने भी बच्चे लोग हैं आज मैं उन सबको ये डेडिकेट करती हूँ। और फिर मैं आप लोगों के साथ और एक नया ब्लॉग में फ्रेश ब्लॉग में मिलूंगी। तो आज का ये मेरा जो रेसिपी है दोनों जो मिठाई, वो जो लोग नहीं खा रहे हैं वो लोग थोड़ा थोड़ा खा लीजिएगा, लोग जो लोग डाइट पे रहते हैं मिठाई बिल्कुल नहीं खाते और मैं बहुत चीनी डालती हूँ आप लोग देखते होंगे, लेकिन फिर भी वो लोग कम मिठाई डालिए लेकिन बना के खाइए, बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों के शरीर के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो आज मैं ये फिर प्रसाद अभी बनाऊंगी, पूजा करूंगी। आज ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं उसको और नहीं खींच रही हूँ, इतना मैं आज मैं रह रही हूँ। और गुड नाइट, और प्लीज़ सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए। नमस्ते।